नमो नमः मित्रान, मैं डॉक्टर नीलमणि त्रिपाठी चंद्रा इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूँ। मित्रों देखिए, आज संस्कृत भाषा या शिक्षणम लेक्चर 24 के अंतर्गत मैं आपको विशेष वीडियो लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। मित्रों, ये वीडियो आपकी परीक्षा में, चाहे आपकी सीटेट की परीक्षा हो, चाहे एमपीटेट की परीक्षा हो, चाहे किसी भी प्रकार की आगामी परीक्षाएं हैं, सभी प्रकार की परीक्षाओं में ये आयोग से संबंधित और समिति से संबंधित मित्रों एक प्रश्न अवश्य आता है, कौन सी समिति के कौन अध्यक्ष हैं, कौन सी समिति की कब स्थापना की गई है, किस आयोग का क्या उद्देश्य रहा है और किस आयोग में किस प्रकार की शिक्षा का विशेष रूप से बल दिया गया है, ये सारी बातें जो है इनके अंतर्गत मित्रों आपको बताई जाएंगी। तो देखिए, भारते शिक्षायाः वृद्धिं तथा च विकासे महत्वपूर्ण तथ्याः, भारत में शिक्षा के वृद्धि तथा विकास के लिए महत्वपूर्ण कुछ तत्व हैं। भारत में जब हमारी आज़ादी के पहले, मतलब कहने का तात्पर्य है स्वतंत्र भारत के पहले, 1947 के पहले भारत में शिक्षा की नीतियां जो है बड़ी गड़बड़ थी। अंग्रेजों का जो हमारे यहाँ शासन था, तो उनके कहने पर हम उनके जैसे शिक्षा ही प्राप्त किया करते थे। मित्रों तो देखिए, पहला आयोग है हंटर शिक्षा आयोग। हंटर शिक्षा आयोग ये जो है वायसराय रिपन एक जो है अंग्रेज थे उनके समय में, W.W. हंटर जिस आयोग के क्या थे, अध्यक्ष थे। इनके द्वारा जो है शिक्षा के क्षेत्र में 1854 के बाद जितनी भी प्रगति हुई है उनके प्रगतियों की समीक्षा करना जो है इस आयोग का गठन, शिक्षा का की समीक्षा करने के लिए इस आयोग का गठन किया गया। यानी 1854 के बाद में शिक्षा के अंतर्गत जो भी बदलाव हुआ, जो भी प्रगति हुई, जो भी सुधार किया गया, उन सभी की समीक्षा करने के लिए W.W. हंटर के द्वारा इस 1882 में इस आयोग की स्थापना की गई। अब मित्रों इसके बाद आता है विश्वविद्यालय आयोग गठन 1902। ये 1902 में वायसराय कर्जन के समय में थॉमस रैले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया। थॉमस रैले, कभी कभी पूछ लिया जाता है विश्वविद्यालय आयोग का गठन कब किया गया, तो 1902 में, यानी 1902 में, और किसके द्वारा किया गया, तो थॉमस रैले जो अध्यक्ष हैं वही उनके संस्थापक हैं। तो थॉमस रैले की अध्यक्षता में भारतीय विश्वविद्यालय की क्या अवस्थाएं हैं तथा उनकी कार्य क्षमताएं क्या हैं, इसके निर्धारण के लिए और इसका परीक्षण करने के लिए और संविधान में विशेष प्रकार से सुधार करने हेतु सुझाव देने के लिए मित्रों विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया। ये विश्वविद्यालय आयोग का गठन कई बार परीक्षा में पूछा गया है, विश्वविद्यालय आयोगस्य गठनः कदा भवत, विश्वविद्यालय आयोग का गठन कब किया गया, तो उसमें ऑप्शन में आपको सन दिया रहेगा 1902 में, 1903 में, 1917 में, 1928 में, तो आपको टिक करना पड़ेगा 1902 में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद मित्रों आता है अगला हमारा शिक्षा आयोग है सैडलर विश्वविद्यालय आयोग। और एक चीज मित्रों आपको इसमें और बताना चाहूंगा, ये विश्वविद्यालय आयोग के गठन में कर्जन, ये हमारे अंग्रेज थे, और इस आयोग में जो है दो हमारे भारतीय भी सम्मिलित थे, दो हमारे भारतीय सैयद हुसैन बिलग्रानी और गुरदास बनर्जी, इन दोनों को भी जो है इस आयोग में सम्मिलित किया गया था और इनसे भी बीच बीच में परामर्श और इनके भी मतों को लिया जाता था। सैडलर विश्वविद्यालय आयोग जो 1917 अर्थात 1917 ईस्वी में स्थापित किया गया, ये लीड्स विश्वविद्यालय जो कि आपका कलकत्ता में है, तो लीड्स विश्वविद्यालय के उपकुलपति डॉक्टर एम ई सैडलर की अध्यक्षता में 1917 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं के अध्ययन तथा रिपोर्ट के लिए आयोग गठित किया। इस आयोग में भी हमारे दो भारतीय
डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी और डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद, ये दो हमारे भारतीय विद्वान इस कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं के समाधान हेतु जो यह सैडलर विश्वविद्यालय आयोग स्थापित किया गया, सैडलर विश्वविद्यालय आयोग की जो समिति बनी या इसका जो गठन किया गया, उसके जो है ये भी तो सदस्य थे। अब इसमें इसका मुख्य उद्देश्य मित्रों ये था कि महिला शिक्षा में सुधार किया जाए, अर्थात महिलाओं की शिक्षा पर विशेष बल दिया जाए तथा माध्यमिक स्तर की शिक्षा में सुधार किया जाए। माध्यमिक स्तर की शिक्षा में सुधार से तात्पर्य यह है कि जब माध्यमिक स्तर की शिक्षा में सुधार किया जाएगा मित्रों, तो निश्चित रूप से विश्वविद्यालयी शिक्षा में अपने आप सुधार हो जाएगा। इसके बाद मित्रों चौथा आयोग है हार्टोग समिति। हार्टोग समिति ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, ये 1929 में सर फिलिप हार्टोग के द्वारा, सर फिलिप हार्टोग, ये मैंने लिख भी दिया है मित्रों, चाहे तो आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अस्पष्ट रूप से इसको आप नोट कर लीजिए, निश्चित रूप से आपके परीक्षा में आएगा मित्रों। तो हार्टोग समिति 1929 में सर फिलिप हार्टोग, जो प्राथमिक स्तर की शिक्षा पर बल दिया जाता है, तो आपसे पूछा जा सकता है प्राथमिक स्तर से शिक्षायाम बले कह समिति से विशेष योगदानम भवति, किस समिति का विशेष योगदान होता है, तो 1929 में जो सर फिलिप हार्टोग के द्वारा हार्टोग समिति। अब पांचवा है मित्रों मूल शिक्षा वर्धा योजना। मूल शिक्षा वर्धा योजना 1937 में महात्मा गांधी जी ने हरिजनोद्धार के लिए जो द हरिजन जो इनकी बुक है, और हरिजनों के उद्धार के लिए इन्होंने जो है जिन जैसे जो आपके हरिजन थे उनको अछूत माना जाता था, समाज से दलित माना जाता था, दलित वर्ग के जो लोग थे, इन्होंने कहा ये सभी जो है हरिजन, हरि माने ईश्वर के, ये सभी व्यक्ति हैं, ये सभी प्राणी हैं। और इसी योजना के साथ जो है मूल शिक्षा में वर्धा आयोजना में हस्त उत्पादक कार्य तथा शिल्पों के लिए पाठ्यक्रम और आधार शिक्षा, आधारिक शिक्षा उनको मजबूत करना 1937 में, इसलिए इस आयोग का गठन किया गया मूल शिक्षा वर्धा योजना महात्मा गांधी के द्वारा, ये भी पूछा जाता है। उसके बाद शिक्षा की सार्जेंट योजना 1944 अर्थात 1944 ईस्वी में सर जॉन सार्जेंट के द्वारा शिक्षा में तमाम प्रकार के आधारिक शिक्षा पर बल देते हुए शिक्षा के विकास में इन्होंने योगदान दिया। तो ये हुआ मित्रों आपके भारतीय शिक्षा या वृद्धि तथा च विकासे प्रमुख तथ्या। अब देखिए हमें आपको समितियां बताएंगी, तो समितियों का ट्रिक्स है, ये समितियां बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो आपके पाठ्यक्रम में हैं और निश्चित रूप से आपके सिलेबस में आता है। पुराने आप पेपर को उठाकर देखेंगे तो 2-3 प्रश्न इसमें से जरूर मिलेंगे। देखिए मित्रों जो हमारी समिति है, ज्यादातर इन समितियों की स्थापना इनसे संबंधित, जैसे डॉक्टर संपूर्णानंद समिति है तो संपूर्णानंद इस समिति के अध्यक्ष थे, हंसा मेहता समिति है तो हंसा मेहता के द्वारा स्थापना की गई, ईश्वर भाई पटेल समिति है तो इन्हीं के नाम पर यह समिति बनी, ज्ञानम समिति है तो ज्ञानम के द्वारा, यशपाल समिति यशपाल के द्वारा, कुछ समितियां जो अलग लोगों के द्वारा स्थापित की गई हैं उसका नाम मैं आपको लिख दिया हूं, आप मित्रों इसको नोट कर लीजिए, ये हमारी प्रमुख समितियां हैं। विशेष रूप से आपसे बार बार आग्रह है कि इन समितियों में से निश्चित रूप से एक प्रश्न आएगा, अतः आप इसको नोट कर लें। ये आपको संस्कृत भाषा शिक्षण के अंतर्गत हर जगह नहीं बताया जाए, केवल चंद्रा संस्थान ही आपको बता सकता है। चंद्रा की यही खूबी है मित्रों कि अगर कोई भी कहीं से भी एक प्रश्न अगर आया है तो वह चंद्रा संस्थान में जरूर पढ़ाया जाता है, जरूर पढ़ाया गया होगा तभी वो पूछा गया है, तो आप इसको विशेष रूप से ध्यान रखें। जैसे शैक्षिक विकास में वित्त समिति, ये वित्त समिति की स्थापना जो है 1948 ईस्वी में की गई बीजी खेर के द्वारा, ये दोनों जो है बीजी खेर के द्वारा ये दोनों समितियां हैं, शैक्षिक विकास में वित्त समिति जो कि 1948 में स्थापित की गई,
और प्राथमिक शिक्षा का प्रशासन समिति 1951 ईस्वी में। ये दोनों समितियां मित्रों बीजी खेर नाम नोट कर लीजिएगा, बीजी खेर के द्वारा जो है दोनों समितियां विशेष रूप से। अब तीसरा है आचार्य नरेंद्र देव समिति के संस्थापक आचार्य नरेंद्र देव ही हैं, इनके द्वारा स्थापित समिति 1952 ईस्वी। इसके बाद मित्रों बेसिक शिक्षा आकलन समिति है 1955 ईस्वी में, जिसको जी रामचंद्र के द्वारा स्थापित की गई, जी रामचंद्र। अगली समिति है ग्रामीण शिक्षा समिति, ग्रामीण शिक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के सुधार के लिए विशेष समिति की स्थापना की गई, जिसके संस्थापक सी बी बनर्जी जो है इस शिक्षा ग्रामीण शिक्षा समिति के संस्थापक हैं। दुर्गाबाई देशमुख समिति की स्थापना 1957 में की गई, इसके भी दुर्गाबाई देशमुख ही इस समिति के संस्थापक हैं। प्रकाश समिति के डॉक्टर प्रकाश हैं। बाल देखभाल समिति के स्थापना ताराबाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है मित्रों पुरानी परीक्षाओं में, इसलिए बाल देखभाल समिति माने बच्चों की देखभाल से संबंधित जो समिति की स्थापना की गई वह बाल देखभाल समिति कहलाई, और इसकी स्थापना 1961 ईस्वी में मित्रों ताराबाई के द्वारा की गई। कन्या राज तथा जन सहयोग समिति की भी स्थापना ताराबाई के द्वारा की गई। डॉक्टर संपूर्णानंद समिति की स्थापना संपूर्णानंद के द्वारा की गई। हंसा मेहता समिति की स्थापना 1964 ईस्वी में हंसा मेहता के द्वारा की गई। ईश्वर भाई पटेल समिति की स्थापना 1977 में ईश्वर भाई पटेल के द्वारा की गई। ज्ञानम समिति की स्थापना 1887 में, और यशपाल समिति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यशपाल समिति की स्थापना किसके द्वारा की गई, यशपाल के द्वारा की गई और 1992 ईस्वी में की गई मित्रों। तो ये रहा आज विशेष शिक्षा में प्रमुख समितियों का योगदान, और शिक्षा में वृद्धि और विकास से संबंधित प्रमुख आयोग। मित्रों मुझे लगा कि जो है आयोग और समिति से संबंधित एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है, इसलिए मैंने सोचा कि इससे संबंधित एक अलग से वीडियो आपको मैं ये दे दूं, जिससे आपकी परीक्षा में कोई ऐसा प्रश्न आपको समझ में आए जो कि लगे कि हम पढ़े नहीं। तो मित्रों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, दो बार तीन बार वीडियो को आप देख सकते हैं, और इनको कंठस्थ कर लीजिए, किस आयोग का गठन कब किया गया, किसके कौन जो है आयोग करता है, हाँ किस लिए किया गया, ये विशेष रूप से ध्यान रखिएगा मित्रों। नमो नमः मित्राणि, धन्यवाद।